तो देखिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लगातार ये महाकवरेज जारी है चुनाव को लेकर, हर तस्वीर आप तक सबसे पहले हम पहुंचा रहे हैं, पल पल कहां क्या हो रहा है, कितनी फीसदी वोटिंग अब तक हो चुकी है। अलग अलग जिलों की अगर हम बात करें तो एक एक तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। फिलहाल अब की बार किसकी सरकार, ये बड़ा सवाल, लेकिन 3 दिसंबर को इसका जवाब मिल जाएगा। भानु प्रतापपुर में देखिए सबसे ज्यादा 62% वोटिंग हो चुकी है, सबसे कम बीजापुर में जो कि नक्सल प्रभावित इलाका है, यहां पर बीजापुर में अब तक 20% मतदान हुआ है। लेकिन अगर बात करें अन्य जिलों की तो यहां पर भी वोटरों में बहुत ज्यादा उत्साह है। हालांकि भानु प्रतापपुर की अगर हम बात करें, यहां पर कई बड़े चेहरे हमने देखे हैं बीते दिनों में प्रचार प्रसार करने के लिए, यूपी के कई मंत्री नजर आए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहां पर आए थे। इसके अलावा कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे भी आपने देखा कि लगातार कई बड़े चेहरे भानु प्रतापपुर में नजर आए। फिलहाल भानु प्रतापपुर में वोटरों का जो जोश है वो काफी ज्यादा हाई है और यहाँ पर वोटर लगातार पहुंच रहे हैं, वोट डाल रहे हैं। 62% अब तक वोट पड़ चुके हैं। इसके अलावा बात अगर बीजापुर की करें, बीजापुर में अभी वोटरों में इतना उत्साह नहीं देखा जा रहा, ना ही वोटर इतने एक्टिव बीजापुर में नजर आ रहे हैं। फिलहाल ओनली 20% ही मतदान यहां पर हुआ है और अन्य जगहों की अगर हम बात करें तो लगातार आपको दिखा रहे हैं 1 बजे तक कहां पर कितने प्रतिशत तक मतदान हुआ है। एक एक कर अगर हम बात करें तो देखिए दंतेवाड़ा में 1 बजे तक 41.21% मतदान हुआ है। दंतेवाड़ा के अलावा बात करें अगर दूसरी सीट की तो भानु प्रतापपुर में 62% वोटिंग हुई है। इसके अलावा अगर बात करें हम बीजापुर की तो यहां पर 20% तक मतदान, हालांकि सुकमा की अगर हम बात करें तो यहां पर भी वोटरों में काफी ज्यादा उत्साह है। कांकेर में भी तमाम वोटर्स पहुंच रहे हैं, वोट डाल रही हैं। कोटा की अगर हम बात करें तो कोटा में भी लोग पहुंच रहे हैं और कोटा में भी तमाम जो वोटर्स हैं वो वोट डाल रहे हैं। खुज्जी की बात करें तो 46.67% वोटिंग अब तक हुई है खुज्जी में। इसके अलावा बात करें अगर कोंडागांव की तो 54.04% तक मतदान हुआ है। नक्सलगढ़ में बुलेट पर बैलेट भारी पड़ रहा है और ऐसे में तमाम जो वोटर्स हैं बगैर डरे बगैर पीछे हटे मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं, वोट डाल रही हैं। कहां कितना मतदान, कोटा की अगर हम बात करें तो देखिए जैसे कि हमने आपको बताया 30.27% मतदान हुआ है कोटा में। कोटा के अलावा सबसे ज्यादा भानु प्रतापपुर में और भानु प्रतापपुर में 62% मतदान हुआ है, बहुत बड़ी बात। आप भी वोट डालिए। अलग अलग जगहों की अब ये तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं और अलग अलग चेहरों की आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी की तस्वीर आप देखिए, मोहन मरकाम को, केदार कश्यप को आप देखिए वोट डालते हुए बीजेपी प्रत्याशी नजर आए। इसके अलावा बात करें लता उसेंडी की, बीजेपी प्रत्याशी है जो कि, वो भी वोट डालते हुए नजर आई। निर्दलीय प्रत्याशी मनीष कुंजन भी यहां पर दिखाई दिए, बीजेपी प्रत्याशी विक्रम उसेंडी भी यहां नजर आए, वोट डाला उन्होंने। बीजेपी प्रत्याशी की अगर हम बात करें तो यहां पर चैतराम भी मौजूद रहे। कांग्रेस प्रत्याशी की अगर हम बात करें तो यहां पर यशोदा वर्मा भी पहुंचे और फिर नेता बीजेपी की अगर हम बात करें तो अभिषेक सिंह ने भी वोट डाल दिया है। तो ये वो बड़े चेहरे हम आपको दिखा रहे हैं जिन्होंने अब तक वोट डाल दिए। लोकतंत्र के इस पर्व में हर कोई अपना आहुति दे रहा है और लोकतंत्र को मजबूत बनाने अपना सहयोग कर रहा है। हम इस वक्त मौजूद हैं डोंगरगढ़ में और पहली बार जिसने मतदान किया हम उनसे भी बात करेंगे और जो लगातार 50 वर्षों से मतदान करने आए हैं, लगभग 76 साल की उम्र है, उनसे भी हम बात करेंगे, बताएंगे क्या अनुभव रहा, कैसे उत्सुकता थी आपको। पहली बार मैंने वोट दिया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही अच्छे से सिस्टम मेंटली यहाँ पे वोट हुआ
और अगर हमें हमारी सरकार को आगे बढ़ाना है तो वोट देने जरूर आएं, अपने घर से बाहर निकलें और यहां आएं और आगे बढ़ाएं देश। खास करके युवाओं का ये देश कहा जाता है, छत्तीसगढ़ में महिलाओं का वोट का प्रतिशत अधिक है, किस तरह की आप अपील करेंगे? कि सभी आए और अपना वोट दें, एक वोट भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो सबको आकर ये वोट देना ही चाहिए। बिल्कुल, हमारे भी देखिए 76 साल के हैं और 50 वर्षों से लगातार ये वोटिंग करते आ रहे हैं। अभी बातचीत में उन्होंने बताया है, क्या क्या लगता है कि वोट कितना जरूरी है? आप बहुत जरूरी है वोट लोकतंत्र के लिए जी। क्या अपील करेंगे आप? हमारे सबको डालना चाहिए वोट, आके सबको अपना मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए मत का। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बुजुर्ग महिलाएं भी हैं, वो भी आ रही हैं और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिनका मतदाता सूची में नाम है, वो हर हाल में यहाँ पर आ रहे हैं, पहुंच रहे हैं, अपने साधनों से पहुंच रहे हैं और वोट डाल रहे हैं। तो ये देख सकते हैं, चाहे वो पहली बार वोट डाले या फिर लगातार जो वोट डालते आ रहे हैं, तो ये लगातार वोट डालने का जो क्रम है वो जारी है। पूरे प्रदेश में इस तरह से दो चरणों में चुनाव होना है, लेकिन प्रथम चरण के 20 विधानसभाओं में अभी जो चुनाव है वो संपन्न कराया जा रहा है। 80,000 से अधिक सुरक्षा बल के अधिकारी जवान लगे हुए हैं। कैमरा पर्सन मनीष गीते के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। और कुछ नहीं, क्या है थोड़ा? तो आप सुन रहे थे, तमाम जो प्रत्याशी हैं उनकी किस्मत अब दांव पर लगी हुई है, तो दूसरी तरफ वोटर्स जितने भी पहुंच रहे हैं उनका कहना है कि विकास का मुद्दा सबसे ज्यादा वो ध्यान में रख रहे हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए वो वोट डाल रहे हैं। लेकिन कई ऐसे शहर हैं जहां पर वोटर्स अभी बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं नजर आ रहे, बहुत से ऐसे ग्रामीण इलाके हैं जहां पर वोटर सबसे ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं। हमारे तमाम सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं, पल पल की अपडेट पहुंचा रहे हैं। ममता भी मेरी सहयोगी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, इसके अलावा लक्ष्मी वर्मा मेरे साथ जुड़ी हुई हैं बीजेपी से, कांग्रेस से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं खास मेहमान। लेकिन सबसे पहले परिचय कराऊं मैं, सुरेंद्र वर्मा जी हमारे साथ कांग्रेस से है, ममता की ओर। ममता, जहां पर आप इस वक्त मौजूद हैं, वोट प्रतिशत क्या है और फिर वहां के वोटरों में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? कोंटा का इंजरम भेजी, और आप जब इंजरम भेजी का नाम सुनेंगे तो आए दिन यहाँ पर मुठभेड़ होती रहेगी। या ये किस तरह का इलाका आप देखिए, यहाँ पर जो है वो जवानों की किस तरह से मूर्तियां यहाँ पर लगी हुई हैं, और इस भेजी के आसपास जो है अमूमन मुठभेड़ होती है और शहीद भी जवान होते हैं, तो काफी संवेदनशील इलाका ये यहाँ पर। और यहाँ पर सिर्फ एक मतदान केंद्र बनाया गया है, चूंकि इस तरफ अगर हम बात करें तो नक्सलियों ने चुनाव का बहिष्कार भी करने की बात कही थी और ये वजह है, लेकिन उसके बाद भी सुबह 6 बजे से लोग यहां पर वोट देने के लिए पहुंच गए थे। और अब आप सोचिए कि 2 बजे के करीबन, चूंकि यहां पर वोटर्स की संख्या है वो 684 करीबन थी, लेकिन जिसमें महिला 388 और पुरुष 296, और बेहद अति संवेदनशील इलाका है यहां पर। और लेकिन उसके पहले अगर हम बात करें तो करीबन 1:30 बजे के करीबन यहां पर एक तरह का सन्नाटा जो है वो पसर गया था, और जो लोग यहां पर मौजूद हैं ड्यूटी में उनका कहना था कि 2 बजे तक के करीबन 450 से ज्यादा जो लोग हैं वो वोट डालकर जा चुके थे, और अभी अगर हम बात करें तो इक्का दुक्का लोग जो है वो यहां पर पहुंच रहे हैं। तो ये अपने आप में बड़ी बात है कि सुबह 6 बजे से भेजी जैसे इलाके में, इंजरम भेजी में, यानी छत्तीसगढ़ को जो बेहतर समय तरीके से समझता है तो वो इस जगह को भी समझता है, तो वो समझ सकते हैं कि यहां पर किस तरह की स्थिति जो है वो है। और ठीक है ममता, मैं दोबारा से आपके पास आऊंगी। लक्ष्मी वर्मा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं बीजेपी की तरफ से, जो अपनी बात रखेंगी। हाँ ममता, आप कुछ कहना चाह रही हैं? यहाँ तो शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हो गया है कोंटा थाना के अंतर्गत जी। हाँ। तो SDOP कोंटा हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, यहाँ शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हो गया है और अभी 3 बजे तक का समय है मतदान करने के लिए, और अच्छी संख्या में मतदाता बाहर आए और सुरक्षित भावना के साथ उन्होंने मतदान किया, और ऐसे क्षेत्र में भारी संख्या में मतदान होना
बहुत बड़ी उपलब्धि है और बहुत बड़ा एक इंडिकेशन है भविष्य के लिए। फायरिंग भी हुई सर, और मैं जहाँ तक जानती हूँ आप उस इलाके के ही से ही लौट रहे हैं। हाँ, ये बंडा जो हमारा क्षेत्र है वहाँ पे हमारी टीमें लगी हुई हैं मतदान केंद्रों की सुरक्षा में, आउटर कॉर्डन में। तो वहाँ पे कुछ फायरिंग नक्सलियों की तरफ से आई और फिर हमारे द्वारा भी, हमारी DRG के द्वारा भी जवाबी कार्रवाई की गई, फायरिंग की गई और नक्सली फिर भाग गए। काफ़ी कम टाइम के लिए फायरिंग हुई वहाँ पे, 10 मिनट तक फायरिंग चली, उसके बाद नक्सली वापस भाग गए और पुनः मतदान फिर शांतिपूर्ण तरीके से संचालित हो रहा है और ग्रामीण बाहर निकल कर आ रहे हैं और मतदान कर रहे हैं। तो इस तरीके से स्थिति अभी सामान्य है। तो वहाँ पर कोई सर, वहाँ पर कहा भी गया था कि बहिष्कार करने की बात कही गई थी, तो मतदान प्रभावित तो नहीं हुआ? नहीं, वहाँ नॉर्मल स्थिति से बेहतर स्थिति है मतदान की और अभी भी वोटिंग जारी है और ग्रामीणों में काफी उत्साह है वहाँ पर। नक्सलियों के विरोध का कोई फर्क उस गांव में मतदाताओं पर नहीं पड़ा है। तो आप मानते हैं कि बुलेट पर बैलेट भारी? हाँ बिल्कुल, आप देखेंगे जब ये फाइनल आंकड़े आ जाएंगे मतदान के, तो निश्चित तौर पर नक्सलियों की जो कायराना हरकतें उन्होंने की है और जो लोकतंत्र विरोधी उनके विचार है उसके विपरीत जनता ने उत्साह दिखाते हुए ब्लास्ट हुआ था सर, कल ब्लास्ट भी हुआ था, आईडी ब्लास्ट भी हुआ था। आईडी ब्लास्ट, हाँ, अंदर का एरिया हेलमागुंडा, वहाँ ऐसी सूचना थी सुबह कि आईडी ब्लास्ट हुआ है, किसी जवान के पैर पे चोट लगी है और ऐसी छिटपुट घटना। ठीक है ममता, मैं दोबारा से आपके पास आऊंगी। हमारे साथ लक्ष्मी वर्मा जी जुड़ी हुई। लक्ष्मी जी, बीजापुर में क्या हुआ, वोटर्स नाराज नजर आ रहे हैं, सबसे कम वोट प्रतिशत अभी तक के बीजापुर में। निश्चित रूप से वहाँ पे जो वोट परसेंट आ रहा है वो बहुत कम है। ये लोकतंत्र का महापर्व है। मैं जनता से अपील करना चाहती हूँ कि वो अपने मतदान का उपयोग करे और ज़्यादा से ज़्यादा घर से निकलकर जो वोट करे। बीजापुर में कहीं ना कहीं देखिए, अभी जो कांग्रेस ने लगातार वहाँ पे टारगेट किलिंग की है और उससे कहीं ना कहीं मुझे लगता है आम जनता को दहशतगर्द करने का काम जो किया है उससे जो नक्सलियों ने सीधा चैलेंज किया है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम करेंगे और निकलकर जनता वोट डालेगी तो उसको लेके हम उसको छोड़ेंगे नहीं, इस टाइप से जो बातें आ रही थी। तो कहीं ना कहीं जो बहुत ही जो सेंसिटिव एरिया है वहाँ से मतदान, चाहे कोंटा की बात करें, बीजापुर की बात करें, मतदान बहुत कम हुआ है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि अभी हमारे पास और थोड़ा समय है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान करने के लिए आ रहे हैं तो वोट अप परसेंट तो निश्चित रूप से बढ़ेगा। मुझे लगता है 50% के आसपास जो है आ जाना चाहिए। और रही बात आज ये चुनाव जो है, ये हमारे जो छत्तीसगढ़ में आज जो मतदाता है, ये आने वाले समय में कौन उनका प्रत्याशी होगा ये तय करेंगे। और इसको तय करने के लिए इन्होंने लगातार भारतीय जनता पार्टी जो है, जो जिस प्रकार से यहाँ विपक्ष की भूमिका निभाते हुए छत्तीसगढ़ में काम किया है, क्योंकि 5 साल जो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार रही है वो आततायी सरकार के रूप में यहाँ पे परिलक्षित हुई है। आम जनता ने देखा है कि सुरेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़े। सुरेंद्र जी, टारगेट किलिंग का ही मुद्दा ज्यादा उठ रहा है। लक्ष्मी जी कह रही है कि टारगेट किलिंग जिस तरीके से हुई है बीते दिनों बीजापुर में, ये भी एक बड़ी वजह है, वोटरों का मोह भंग हो गया। अंशिका जी, बेहद दुखद और निंदनीय है कि भारतीय जनता पार्टी आज के दिन जब लोकतंत्र का महापर्व है और बस्तर की जनता ने पहले भी प्रमाणित किया है सर्वाधिक मतदान यदि कहीं छत्तीसगढ़ में होता है तो वो बस्तर है, और आज भी पूरी उम्मीद है कि 75% से ज्यादा मतदान होगा। ये मुद्दाहीन भाजपा ही जब 15 साल इनको अवसर मिला था तो नक्सलियों का डर दिखा के ये शोषित करते रहे। एक बड़ी खबर मैं दर्शकों को दे दूं, मैं वापस से लौटूंगी। एक बड़ी खबर कांकेर से आ रही है, पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है, करीब आधे घंटे तक ये मुठभेड़ चली। मौके से AK-47 बरामद किया गया है, एक नक्सली के घायल होने की भी खबर है। ASP ने घटना की पुष्टि की, बांदे थाना के माड़ पंखाजूर का ये पूरा मामला है। और इस बीच बड़ी खबर ये आ रही है, हालांकि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है लेकिन पुलिस और नक्सलियों के बीच की मुठभेड़ ने कई सवाल खड़े कर दिए। आधे घंटे तक लगातार ये मुठभेड़ चली है और मौके से AK-47 भी बरामद किया गया है और एक नक्सली के घायल होने की भी खबर है। सुरेंद्र जी, अपनी बात पूरी कीजिए।
अंशिका जी, ये वही छत्तीसगढ़ है जो रमन राज में कुपोषण, एनीमिया और मलेरिया से होने वाली मौत, इनकी पहचान बना दी गई थी। बस्तर के सुदूर दक्षिण के दो ब्लॉक से 15 साल में रमन सरकार में खाद पानी देकर ये नक्सलवाद को पोषित और पल्लवित करते रहे। नहीं लेकिन, नहीं लेकिन इस बार इन 20 सीटों को लेकर आप लोग कॉन्फिडेंस में तो होंगे ही। 2018 में 19 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा था, महज एक सीट ही बीजेपी जीत पाई राजनांदगांव में। एक कसर रह गया था राजनांदगांव में, इस बार रमन सिंह की विदाई भी तय है। सुपड़ा साहब होगा 15 कॉन्फिडेंस में है या ओवर कॉन्फिडेंस में? निश्चित तौर पर नहीं, कॉन्फिडेंस में है, ओवर कॉन्फिडेंस में। छत्तीसगढ़ की समृद्धि, छत्तीसगढ़ में भूपेश पर भरोसे की सरकार का जो सुशासन है उसके चलते कांग्रेस का कार्यकर्ता, छत्तीसगढ़ की जनता अपनी बार 75 पार के नारे को लेकर इस बार चुनाव लड़ रही है। लक्ष्मी जी, लड़ाई अंशिका जी छत्तीसगढ़ की समृद्धि को बेचने और बचाने की लड़ाई है। एक तरफ अडानी के एजेंट के तौर पर जो नंदराज पर्वत को बेचे, जो जिन्होंने एनएमडीसी के को निजीकरण करने दीपम में डाल के रखा है, और यहाँ पर यह देश के प्रधानमंत्री और भाजपा के नेता कहते हैं कि नंदराज जो लक्ष्मी जी का नगर, क्या बीजेपी इस बार अपना पुराना रिकॉर्ड तोड़ेगी? पिछले बार तो 2018 में इन 20 सीटों में से तो एक ही सीट बीजेपी जीती थी राजनांदगांव, इस बार कितनी सीटें 20 सीटों में से? देखिए अंकिता जी, ज्यादा से ज्यादा सीटें जो है 20 सीट में वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा। कांग्रेस की सरकार कितना भी कह ले, लेकिन बस्तर में इन्होंने बस्तर के वासियों को जिस प्रकार से संस्कृति संस्कार के नाम पर आग में झोंकने का काम किया है, ये धर्मांतरण करके उनको आज छत्तीसगढ़ में जो बेगाना बनाने का काम किया है, इनके वहाँ के बड़े मंत्री और मुख्यमंत्री तक जो धर्मांतरण के पुष्टिकरण की नीति को अपनाकर वहाँ के संस्कृति संस्कार को खत्म करने का काम किया है, आज ये धर्म की राजनीति जो है वो शमशान घाट तक बस्तर में नजर आई। तो बस्तर के जो भोले भाले आदिवासी हैं, जिनकी संस्कृति संस्कार सदियों से, कांग्रेस का ध्यान आदिवासी पर नहीं है, ऐसे बस्तर जैसे जगह में जो कांग्रेस आदिवासियों को नजरअंदाज कर रही है, राजनीति बीजेपी का ये बड़ा आरोप। लक्ष्मी जी कह रही है कि आदिवासियों को नजरअंदाज किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। अंशिका जी, ये भाजपा की सिलेक्टिव पॉलिटिक्स का यही एक नमूना है। ये एक तरफ नारायणपुर में भाजपा का जिला अध्यक्ष एसपी पर पथराव करता है, ये वहां पर भाई को भाई से लड़ाने का कुछ प्रयास करते हैं, दूसरी तरफ जब चुनाव आता है राजेश टोप्पो किस संप्रदाय से है जिसको भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया, प्रबोध मिल किस संप्रदाय के है जिसको लक्ष्मी जी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया, लक्ष्मी जी तो इनके लिए पार्टी ने और काटने का ये हथियार है, राजनीतिक टूल्स है, नफरत हिंसा और हत्या तक करवाने ये आतुर है चुनावी होश में चुनावी लाभ के लिए। जिस तरह से आदिवासियों को जल जंगल जमीन के अधिकार से टारगेट किलिंग का आरोप तो कांग्रेस पर लगाती है बीजेपी, आप उल्टा आरोप लगा रहे हैं। लक्ष्मी जी, भारतीय जनता पार्टी बस्तर के लिए जो विकास के काम किए वो 15 साल में पूरा इतिहास बदला है बस्तर का। कांग्रेस की सरकार जो यहाँ पे सत्ता में 60 साल रही, लेकिन बस्तर में ना सड़क बनी ना स्कूल बना था। 2003 में 2000 छत्तीसगढ़ अलग बनने के बाद अजीत जोगी की सरकार ने बस्तर जो आदिवासी की बात करते थे विकास का कोई काम नहीं किया। अगर बस्तर में वनोपज खरीदी करने का काम किया, बस्तर में 1-2 रुपये किलो के माध्यम से चावल उपलब्ध कर वहाँ जो पेट भर अनाज देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया, वहाँ नमक वितरण, चना वितरण, और वहाँ पे जो वनोपज को खरीद कर जो हमारे वनवासी हैं उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने के दिशा में काम करने का जो काम भारतीय जनता पार्टी ने किया था, और सुरेंद्र जी सरकार से आज सुरेंद्र जी साल हमने दोबारा लौटूंगी। सुरेंद्र जी, सवाल ये कि महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर आप लोग हमला बोलते हैं, लेकिन राज्य में महंगाई से जनता त्रस्त हो रही है, क्या इस पर कांग्रेस का ध्यान है? क्या केवल मैनिफेस्टो में ही 500 रुपए गैस सिलेंडर देने मात्र से महंगाई खत्म हो जाएगी? अंशिका जी, पूरे जिम्मेदारी से आपके लोकप्रिय चैनल में मैं कहना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ वो राज्य है
जहां पर 22.2% बेरोजगारी दर था सितंबर 2018 में रमन सिंह के समय, वर्तमान में सबसे कम बेरोजगारी दर वाला राज्य यदि कोई है देश में वो छत्तीसगढ़ है। महंगाई की आप बात कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था के तीनों सेक्टर कृषि उत्पादन और सेवा तीनों सेक्टर में राष्ट्रीय औसत से दुगना बेहतर छत्तीसगढ़ है। तो यह समृद्धि की कहानी जो लिखी गई है वो भूपेंद्र बघेल सरकार की उपलब्धि है। केंद्र सरकार के नीति आयोग का डेटा ये कहता है। क्या लक्ष्मी जी आप इसे उपलब्धि मानती हैं? क्या आप उपलब्धि मानती हैं? क्या छत्तीसगढ़ समृद्ध राज्य है? क्या छत्तीसगढ़ समृद्ध राज्य है लक्ष्मी जी? छत्तीसगढ़ में देखिए, हेलो, हाँ आवाज आपकी, आकांक्षा जी थोड़ा जोर से बोलिए। अंशिका स्टूडियो से, मैं अंशिका हूँ, मेरी आवाज आ रही है आप तक लक्ष्मी जी? अंकित, हाँ हाँ अंकित, हाँ, बोलिए। अभी आवाज बहुत कम आ रही है, थोड़ा रिपीट करेंगे। सवाल ये है कि क्या छत्तीसगढ़ समृद्ध राज्य बन गया? छत्तीसगढ़ जो है वो समृद्ध राज्य बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ये कांग्रेस के लोग छत्तीसगढ़ की जो यहाँ पे राजस्व है उस पे डाका डालने का काम किए हैं। छत्तीसगढ़ को एक भ्रष्टाचारी प्रदेश के रूप में पूरे देश में इन्होंने स्थापित किया है। यहाँ के युवाओं को छलने का काम छत्तीसगढ़ की सरकार ने किया है। पीएससी घोटाले के माध्यम से युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया है। उसी प्रकार से महिला बहनों को शराबबंदी के नाम पर ठग कर आज दो बहनों से फोटो लिया, लेकिन ये लोकतंत्र पर है। और आज लेकिन सुरेंद्र जी ठीक है लक्ष्मी जी, मैं आपके पास आऊंगी, एक घोटालों को लेकर हम बात करेंगे हर मुद्दे पे हम बात करेंगे। सुरेंद्र जी सवाल ये घोटाले मामले में कई घोटाले के आरोप आज कांग्रेस पर लग रहे हैं। क्या 5 साल में कांग्रेस ने घोटाला ही किया है? ये बीजेपी लगातार सवाल करती आ रही है, क्या जवाब देंगे? अंशिका जी असलियत यह है कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी यह मान चुका है कि चुनावी मुकाबले में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सामने भूपेश पर भरोसे की सरकार के सामने कहीं पे नहीं है। तो आज इनके मोर्चा संगठन के रूप में पहले नंबर पर ईडी है, दूसरे नंबर पर आईटी है। लेकिन आप जांच एजेंसियों को क्यों घेरे में ले लेते हैं? आप क्यों कनेक्ट कर देते हैं किसी राजनीतिक दल से जांच एजेंसियों को? अगर कांग्रेस ने नहीं किया है कुछ, आने दीजिए, पूछने दीजिए, नोटिस भेजने दीजिए, आप सामना तो कीजिए। लेकिन सवाल खड़े करना, आरोप लगाना सुरेंद्र जी कहां तक जायज है? ये आधार है कांग्रेस के पास, क्योंकि 2 दिन पहले ईडी ने जो परिपत्र जारी किया था, जो प्रेस रिलीज जारी की, उसमें एक इनोवा कार काले कलर की जिसका नंबर है CG12AR6300 वो ब्रिजमोहन अग्रवाल के नाम पर रजिस्टर्ड है। उसकी कंपनी है जिसके सनफ्लावर हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड उसके नाम पर दर्ज है, जिसमें नकदी राशि 5 करोड़ की जब्त की गई। कितने बार ब्रिजमोहन को समन भेजा गया बताए? ब्रिजमोहन अग्रवाल से कोई पूछताछ हुई हो तो बताए? ईडी में ब्रिजमोहन अग्रवाल के खिलाफ, रमन सिंह के खिलाफ 2 मामले हैं, ऐसी अधिक संपत्ति का मामला, गढ़मुक्तेश्वर उत्तराखंड में जो रिसोर्ट बनाए गए, कलकत्ता की कंपनी से फर्जी एंट्री लेकर 35 कंपनियों से जो पैसे मंगाए गए, कितने बार पूछताछ हुई बताइए लक्ष्मी जी? सुरेंद्र जी मैं दोबारा आपके पास आऊंगी, उन्हें बोलने दीजिए, लक्ष्मी जी को बोलने दीजिए। अभी आपने सवाल खड़े किया, आप सुन लीजिए। सरकारी हमारी एजेंसियां हैं अंकिता जी, उसमें लगाने का कांग्रेस आई है। ये अगर करप्शन नहीं किए हैं, ये भ्रष्टाचार नहीं किए हैं, तो ये निरंतरता के साथ में, लेकिन कांग्रेस की सरकार जिनका तुष्टीकरण उद्देश्य है और तुष्टीकरण की नीति से ये छत्तीसगढ़ की जनता इनके जो है वो सुख नहीं रही। अब जान चुकी है कि ये झूठे वादे करने वाले लोग, ये छत्तीसगढ़ की जनता को ठगने वाले लोग, ये बस्तर जैसे जो सबूत है। ठीक है, मेरा आखिरी सवाल, मेरे पास समय नहीं है, मुझे प्लीज मेरा आखिरी सवाल है, प्लीज कॉपरेट कीजिए आप दोनों ही। लक्ष्मी जी एक सेकंड, ठीक है, आखिरी सवाल मेरा, मेरे पास समय ज्यादा नहीं है, बस एक एक लाइन में आंसर। सुरेंद्र जी, इन 20 सीटों में से कांग्रेस कितनी सीटों का दावा कर रही है? कितनी सीटों पर आपकी जीत हासिल होगी?
इन 20 सीटों में पहले चरण में। भाजपा का सफाया छत्तीसगढ़ की जनता ठान चुकी है, किसानों की समृद्धि के लिए, वनोपज संग्राहकों की समृद्धि के लिए, गोपाल लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी कितनी सीटें, एक जगह चूक रहे लक्ष्मी जी कितनी सीटें, टुकड़ा साफ होगा। अधिक सीटों पे हम 13-14 सीटों पे जीत वहां पे दर्ज करेंगे। आज कांग्रेस की जो सत्ता है उनकी नाकामी जो है आम जनता देख रही है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए और बेबाकी से अपनी बात रखने के लिए। तो ये महाकवरेज लगातार जारी है, पल पल की तस्वीर आप तक हम पहुंचा रहे हैं, सुबह से लेकर अब तक कहां पर कितनी प्रतिशत वोटिंग हो चुकी है और फिर कहां कहां पर किस तरीके से तमाम वोटर्स इस लोकतंत्र के महापर्व में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हर तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।